नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बस्तर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध शराब और गांजा के परिवहन सहित गुंडा बदमाशों के खिलाफ बस्तर पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नगरनार थाना क्षेत्र में 16 किलो गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में बनाए जा रहे कच्ची महुआ शराब को भी जब्त कर आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। वही दोनों मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले को लेकर जगदलपुर CSP ने बताया कि नगरनार क्षेत्र में कुछ जगहों में कच्ची महुआ शराब बनाए जाने की खबर के बाद मौके पर पहुंची टीम के द्वारा शराब को नष्ट किया गया और धनपुंजी बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जानकारी मिलने के बाद दो आरोपियों के कब्जे से 16 किलो गांजा को जब्त किया गया है। साथ ही कहा है कि लगातार अवैध रूप से काम करने वालों के खिलाफ बस्तर पुलिस की नजर बनी हुई है और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार थाना नगरनार के द्वारा अवैध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 2-3 दिनों में करीब करीब 16 KG गांजा जब्त किया गया है। साथ ही साथ 72 लीटर अवैध शराब, जिसमें से कुछ महुआ और कुछ अंग्रेजी शराब थे, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है वैसे व्यक्तियों के खिलाफ जो शराब पीकर नशे में वाहन चलाते हैं। इसके अलावा जुआ सट्टा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो अस्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी जो फरार चल रहे थे, उनको भी धर पकड़ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और ये सारी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। सर, जो देसी बम था बनाया गया था उसको फेंका गया आप लोगों द्वारा? हाँ, पुलिस एक्चुअली जब टीम रेड मारी तो वहाँ पे जो पास था जिससे वो महुआ शराब बनाते हैं वो भी पड़ा हुआ था और कुछ ऑलरेडी बना हुआ था, तो जो पास थे उसको चूंकि जब्त नहीं किया जाता है तो वहीं पे उसको नष्टिबद्ध किया गया, पंचनामा भी उसका बनवाया गया और जो महुआ शराब बना हुआ था उसको विधिवत जब्त करके थाना लाया गया आरोपी के साथ। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।